इंडियन प्रीमियर लीग 2020 की शुरुआत 26 सितंबर के बजाय 19 सितंबर से हो सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईपीएल 2020 के आयोजन के लिए 26 सितंबर से 8 नवंबर के विंडो पर विचार कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लीग का प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स दिवाली यानी 14 नवंबर वीकेंड को छोड़ने से बहुत खुश नहीं है। ये जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में बीसीसीआई स्टार को विकल्प दे सकता है जिसमें से आईपीएल को 19 सितंबर से शुरू करना शामिल है। इसके साथ ही स्टार की इच्छा के मुताबिक शाम के मैचों में कमी की जा सकती है। रात के मैच रात 8 बजे के बजाय शाम 7:30 बजे से शुरू किए जा सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सीजन 13 के यूएई में आयोजन की पुष्टि की थी। बोर्ड ने अभी आईपीएल की तारीखों को लेकर आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि बीसीसीआई कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले सरकार की सहमति का इंतजार कर रहा है। ब्रजेश पटेल ने ESPN क्रिक इन्फो से बातचीत में कहा कि ये यूएई में आयोजित होगा, लेकिन पहले बोर्ड इसे यहाँ आयोजित कराने के लिए भारतीय सरकार की अनुमति लेगी। उन्होंने कहा कि तारीखें अभी तक तय नहीं हैं, इस पर फैसला आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होगा जो कि अगले 7 से 10 दिनों में होगी। पटेल ने ये भी पुष्टि की है कि आईपीएल के मैच दुबई, आबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या मैच बंद दरवाजों के पीछे होंगे, तो पटेल ने कहा कि ये यूएई सरकार पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि आईपीएल 2020 का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये लीग अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।